वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस और आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का ब्रेन टीजर। और इसमें क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम उसको स्किप कर देंगे और हम आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर बी का। ए, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 8% द मार्क प्राइस एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹414, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आपके पास दो चीजें हैं, आपके पास है डिस्काउंट परसेंट विच इज 8% और आपके पास है उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 414, तो हमको फाइंड करना है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सेलिंग प्राइस के यहाँ पे 414 इंटू 100, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस 8 विच इज 414 इंटू 100 बाई 92। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास मार्क प्राइस इज व्हाट, ₹450। सो दिस इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सो बी, अ फैन इज सोल्ड फॉर ₹650, द गेन इज 1/4 ऑफ द प्राइस ऑफ द फैन। सो फाइंड द गेन परसेंट। सो इट इज सोल्ड फॉर ₹650 एंड द गेन इज 1/4 ऑफ द प्राइस ऑफ द फैन। सो लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स, कॉस्ट प्राइस बी एक्स। सो व्हाट विल बी इट्स गेन, गेन बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि जो गेन है वो कॉस्ट प्राइस का 1/4 है, कॉस्ट प्राइस का 1/4 है। तो अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है तो गेन हो जाएगा एक्स बाई 4। सेलिंग प्राइस हमारे पास है, सेलिंग प्राइस ऑफ फैन है हमारे पास, दैट इज ₹650। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पे होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस एक्स प्लस प्रॉफिट हो गया यहाँ पे एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 650। ओके, सो नाउ इफ यू टेक एलसीएम ऑफ 4 एंड एक्स, दिस विल बी 4, 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 650 विच विल बिकम 5x बाई 4 इज इक्वल टू 650। हम ट्रांसपोज कर देंगे 5 बाई 4 को इधर, ये हो जाएगा 4 बाई 5। अब हम इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, 30 130, सो 134 विल बी 520 रुपीज़। सो 520 रुपीज़ जो है इसका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस अगर इसका 520 है तो व्हाट विल बी इट्स गेन, देन इट्स गेन विल बी एक्स बाई 4 विच इज इक्वल टू 520 बाई 4। ओके, तो ये हो जाएगा गेन, गेन आ जाएगा हमारे पास 130 रुपीज़। अब हम फाइंड कर लेते हैं गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, गेन परसेंट इज इक्वल टू होता है गेन बाई सी पी इंटू 100। तो यहाँ पे गेन हो रहा है 130 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस है आपका 520 रुपीज़। लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाई 100। सो होगा 00 कैंसिल, 13 ones 13 4 4 से ये हो गया 25। सो गेन परसेंट हो गया हमारा यहाँ पर 25%। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर सी। अ शॉपकीपर बायस पेंसिल एट 10 for ₹10, राइट, 10 pencils उसने खरीदे 10 rupees के और उसको सेल कैसे किया 8 for ₹10, 10 rupees के 8 pencil खरीदे थे उसने, 10 rupees के 10 pencil और उसने सेल कर दिए 10 rupees के 8 pencil। तो हमको बताना है कि इस प्रोसेस में प्रॉफिट परसेंट कितना था उसका। तो सबसे पहले देख लेते कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 pencils। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 pencil इज कॉस्ट प्राइस ऑफ, यस दिस इज ₹10। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 pencil, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 pencil विल बी 10 by 10 विच इज नाउ ₹1। सो नाउ कैन वी फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 rupees, यस कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 pencils, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 pencil विल बी 1 into 8, दिस इज ₹8। सिमिलरली यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 8 pencils आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ रुपीज़
10। नाउ ऑब्वियसली इसको प्रॉफिट ही हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देते हैं। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर? सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज और कॉस्ट प्राइस है 8 रुपीज। तो ये हो गया 2 रुपीज। 2 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। तो प्रॉफिट हो गया हमारे पास यहाँ पे 2 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है 8 रुपीज इंटू 100। सो 2 1 2 4 और ये 4 से हो गया 25% का प्रॉफिट हुआ है इस प्रोसेस में। नंबर डी, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी इफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹5,000 इज सोल्ड फॉर ₹5,900। सो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू ₹5,000 एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹5,900। सो ऑब्वियसली देर इज सम अमाउंट ऑफ जीएसटी हैज बीन चार्ज, थोड़ा उसमें जीएसटी चार्ज किया गया जिसकी वजह से ये अमाउंट बढ़ गया है। तो ये जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कैसे पता चलेगा आपको? ये पता चलेगा बाय सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस निकालने से। और ये हो जाएगा 5000, इट मीन्स जीएसटी चार्ज किया गया है इसको 900 रुपीज। तो हमको क्या करना है? जीएसटी का परसेंटेज बताना है। तो जीएसटी का परसेंट कैसे बताएंगे? जीएसटी, सो द रेट ऑफ जीएसटी विल बी जीएसटी बाय द मार्क प्राइस इनटू 100। सो जीएसटी इज 900 रुपीज, मार्क प्राइस इज 5000 रुपीज एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो द 0 0 कैंसल, यहां पे भी 0 कैंसल हो जाएगा, 5 1 एंड देन दिस इज व्हाट इट्स। सो 18% जीएसटी चार्ज किया गया है बाय सेलिंग दिस आर्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर ई, अ पर्सन पेज रुपीज 2800 फॉर अ कूलर, मार्क एट ₹3,500, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड। तो यहां पर देखिए मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस ऑफ कूलर इज 3500 रुपीज और यहां पर उसने पे कितना किया है, मतलब सेलिंग प्राइस, शॉपकीपर के सेलिंग प्राइस क्या है? 2800 रुपीज। तो डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 3500 माइनस 2800 विच इज इक्वल टू 700 रुपीज। तो 700 रुपीज का उसको डिस्काउंट मिला। अब इसका हम निकाल लेते हैं डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट अब इसका हम निकाल लेते हैं। और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100। सो डिस्काउंट इज 700, मार्क प्राइस इज 3500 रुपीज इनटू 100। सो वी कैन कैंसिल दी 0 0, 7 1 सो 7 से 100 टाइम्स में, और 7 5 35, देन 5 1 एंड देन 5 20। सो 25% का डिस्काउंट मिला यहाँ पर कूलर पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, यहाँ पे राजन परचेस्ड अ पर्स एट 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस बट सोल्ड इट एट मार्क प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट ऑफ राजन ऑन दिस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर कोई वैल्यू दी नहीं है कि इस पर्स का मार्क प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है या सेलिंग प्राइस क्या है, सिर्फ हमारे पास एक ही क्वांटिटी है डिस्काउंट परसेंट, दैट इज 25%। सो लेट मार्क प्राइस ऑफ पर्स बी ₹X, हम अज्यूम कर लेते हैं। तो इस हिसाब से इसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा? इस पे डिस्काउंट हो जाएगा 25% ऑफ एक्स, इसका मतलब ये हो गया 25/100 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 25x/100। ओके नाउ, तो इस हिसाब से परचेस प्राइस क्या हो जाएगा राजन के लिए? परचेस प्राइस, या फिर आप इसको कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हो, परचेस प्राइस फॉर राजन
तो राजन ने इसको 25% डिस्काउंट पे परचेस किया है, मार्क प्राइस इसका एक्स था, तो एक्स में से यानी कि मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट इसका माइनस कर देंगे, और डिस्काउंट हम इसका माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 100, दैट विल बी 100x माइनस 25x विच इज इक्वल टू 75x बाई 100। अब देख लेते हैं दोनों 25 से डिविजिबल है, तो 25 थ्री जा 25 फोर जा दैट इज 3x बाई 4 यहां पर। अब ये हम देखते हैं कि राजन ने मार्क प्राइस पे इसको सेल किया है। अब ये इसका एक तरीके से कॉस्ट परचेस प्राइस, या आप इसको क्या बोल सकते हो, कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हो, है ना, कॉस्ट प्राइस या फिर परचेस प्राइस है उसके लिए 3x बाई 4। पर सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स मतलब राजन ने उसको कितने में सेल किया, तो उसने उसको उतने में ही सेल किया जितना उसका मार्क प्राइस था, और उसका मार्क प्राइस हमने क्या अज्यूम किया था, ₹X। तो यहां पर ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस को हम यहां पर ले लेंगे और माइनस कर देते हैं, सो द प्रॉफिट विल बी इक्वल टू दैट इज सेलिंग प्राइस एक्स माइनस कॉस्ट प्राइस 3x बाई 4। सो द एलसीएम इज 4, दिस विल बी 4x माइनस 3x विच इज इक्वल टू एक्स बाई 4। अब यहां पर हमको क्या फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, यहां पर फाइंड करना है फाइंड द गेन परसेंट, गेन परसेंट फाइंड करना है हमको इस ट्रांजेक्शन में। सो द गेन परसेंट विल बी इक्वल टू गेन बाई सी पी इंटू 100। तो गेन हुआ है यहाँ पे एक्स बाई 4, सी पी है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 3x बाई 4, और ये हो गया इंटू 100। तो ये हो गया एक्स बाई 4 इंटू 3x, नीचे 4 ऊपर आ जाएगा इसका, इंटू 100। तो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल, x और x कैंसिल, दिस इज 100 बाई 3%, या फिर आप इसको लिख सकते हो मिक्स फॉर्म में, आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख सकते हो 33.1/3% का गेन हुआ है इस केस में राजन को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जसलीन मार्क्स हर गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि कोई भी वैल्यू हमारे पास है नहीं, सिर्फ मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा है, और जो डिस्काउंट ऑफर किया गया है 25% वो हमारे पास है। तो लेट पहले कॉस्ट प्राइस को हम कर लेते हैं एक्स अज्यूम। सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बी ₹X, ₹X हमने उसको अज्यूम कर लिया। अब मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस उसका 30% ज्यादा होगा। सो मार्क प्राइस ऑफ गुड्स हो जाएगा यहां पर, मार्क प्राइस ऑफ गुड्स हो जाएगा एक्स प्लस 30% ऑफ एक्स, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस उसका 30%। सो ये हो गया 30x बाई 100, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसका एलसीएम हो गया 100, और ये हो गया 100x प्लस 30x, इसका मतलब मार्क प्राइस हमारे पास हो गया 130x बाई 100। अब इस मार्क प्राइस पे जसलीन ने 25% का क्या ऑफर किया है, डिस्काउंट ऑफर किया है। सो द डिस्काउंट विल बी 25% ऑफ द मार्क प्राइस, इट मीन्स 25% ऑफ 130x अपॉन 100। सो दिस विल बी 25 बाई 100 इंटू 130x बाई 100। तो यहाँ पर 25 वन जा 4 जा, सो द जीरो एंड जीरो गेट ऑल्सो कैन कैंसल, सो 13x बाई 40 इज द डिस्काउंट। तो अगर आपके पास डिस्काउंट है, मार्क प्राइस है, तो क्या आप सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल। सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, सो दिस मार्क प्राइस इज 130x बाई 100 एंड माइनस द डिस्काउंट इज 13x बाई 40। तो इसको माइनस कर देते हैं, 100 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 200। सो 100 टू ज़ा 200, 130 टू ज़ा 260x माइनस 45 ज़ा 200 होगा, तो 13 फाइव ज़ा 65x। तो यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 195x बाई 200। तो ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। नाउ अगर आपके पास, अब देखिए आपके पास सेलिंग प्राइस है, फिर से देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर ₹X, और सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 195x बाई
200। अब देखिए सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 1x, का मतलब आप लिख सकते हो 1x, 1 into x, पर जो सेलिंग प्राइस है स्टूडेंट्स वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो सीधी सी बात है यहाँ पे लॉस हुआ है और लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 195x बाई 200। तो यहाँ से हम इसका ले लेंगे एलसीएम और ये हो गया 200x माइनस 195x, जिसका मतलब ये हो गया 5x बाई 200। 5 1 5 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो लॉस कितना हुआ स्टूडेंट, लॉस हुआ x बाई 40। अब चलिए फाइंड कर लेते हैं इसका लॉस परसेंट, लॉस परसेंट फाइंड कर लेते हैं कि कितना लॉस हुआ है। सो द लॉस परसेंट, लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। तो लॉस है यहाँ पे x बाई 40, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे x इनटू 100। सो x 40 यहाँ पे नीचे आ जाएगा इनटू x इनटू 100। यहाँ पे x और x गेट कैंसल, 0 0 आप कैंसिल कर सकते हो, 2 2 4 2 5 10, दैट इज 5 बाई 2%। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 1 बाई 2%, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2.5%, राइट। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन्स 12%। अब यहाँ पर कोई क्वांटिटी आपको दी गई नहीं है, सिर्फ आपके पास डिस्काउंट परसेंट है 20% और गेन परसेंट है आपके पास, गेन परसेंट है 12%, राइट। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा देने वाला लग सकता है, पर एक्चुअल में ये है उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारे पास देखिए गेन परसेंट है और अगर हम कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लें एक्स रुपीज, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स बी एक्स रुपीज। तो इस केस में कैन वी फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको पता है कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर आपको याद नहीं है तो आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए क्योंकि बहुत काम आता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा, दिस इज एक्स, कॉस्ट प्राइस इज एक्स इंटू 100 प्लस गेन कितना हो रहा है हमको, गेन का परसेंट है 12% प्लस 12 बाई 100। सो दिस इज 112x बाई 100 इज योर सेलिंग प्राइस, इज योर सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर हमारे पास सेलिंग प्राइस है और हमारे पास डिस्काउंट परसेंट भी है, डिस्काउंट परसेंट इज 20%। सो कैन वी फाइंड द मार्क प्राइस, अगर आपको याद हो मार्क प्राइस का फॉर्मूला, मार्क प्राइस होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो चलिए कर लेते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 112x बाय 100 इनटू 100 बाय 100 माइनस 20%। सो दिस 100 एंड 100 गेट कैंसल और ये हो जाएगा 112x बाय 80 बाई 80। ये हो गया हमारा मार्क प्राइस। अब हमको कंपेयर करना है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में कि इनके बीच कितने परसेंट का डिफरेंस है, मतलब हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं और सिंप्लीफाई अगर हम कर सकते हैं, बिकॉज 112 कैन बी डिविजिबल बाई 4 से, ये हो जाएगा 28 टाइम्स में और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा, और भी कट कर सकते हैं 4 5 ज़ा एंड देन 4 7 ज़ा। सो मार्क प्राइस इज 7x बाई 5। तो डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि एक प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं 1 से ग्रेटर देन 1 होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको देख लेते हैं डिफरेंस, मतलब मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। तो मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दिस विल बी 7x बाई 5 और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास x, ये हो गया 5x, इसका एलसीएम 7x माइनस 5x गिव्स यू 2x बाई 5, ये आ गया हमारे पास मार्क प्राइस। अब देखें हम परसेंट कितना है, परसेंट है ना, परसेंट अबव
परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये हो गया डिफरेंस बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास x इंटू 100, सो दैट इज 2x, 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आ गया x, सो दिस इज व्हाट x एंड x गॉट कैंसल, 5 वन जा 2 जा, सो 22 जा 40%। तो शॉपकीपर को कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा उसका मार्क प्राइस रखना पड़ेगा ताकि उसको 12% का गेन हो सके, राइट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रोहित मार्क्स इज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर कैश पेमेंट टू हिज कस्टमर्स, व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट डज ही मेक इफ ही रिसीव्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1064 आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमारे पास है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा है, डिस्काउंट का परसेंट गिवन है और हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस है। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज 1064 रुपीज एंड ऑल्सो वी हैव द डिस्काउंट परसेंट विच इज 5%। नाउ रोहित मार्क्स इज गुड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि इसका मार्क प्राइस क्या है। नाउ मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहां पर हम देख लेते हैं सेलिंग प्राइस है 1064 इनटू 100 बाय उसका डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट हमारे पास है 5%, सो दिस विल बी 100 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1064 इनटू 100 बाय दिस विल बी 95, ओके दिस विल बी 95। सो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं और 95 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, दिस विल बी 19 और ये हो जाएगा 5 से 20 टाइम्स में। कैन वी डिवाइड 1064 बाय 19, इज इट पॉसिबल? यस, 19 से डिवाइड हो जाएगा 56 टाइम्स में, तो मार्क प्राइस हमारे पास आ गया 56 इंटू 20। सो यू कैन मल्टीप्लाई 56 बाय 20, द आंसर विल बी 1120 रुपीस। ये हमारा मार्क प्राइस है। अब हमारे पास मार्क प्राइस है, हमको यहाँ पर फाइंड करना है कैश पेमेंट टू हिज कस्टमर, व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट हमको फाइंड करना है प्रॉफिट पर, उसके लिए कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। सो द लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स रुपीस। कॉस्ट प्राइस हमने ले लिया एक्स रुपीस। अब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस एक्स प्लस 40% ऑफ एक्स, ये मिल के बन गया हमारा मार्क प्राइस विच इज़ 1120। तो ये हो गया x प्लस 40% ऑफ x, मतलब कि हो गया 40x by 100 इज इक्वल टू 1120। नाउ LCM ले लेंगे हम 1 और 100 का, यहाँ पर तो ये हो जाएगा 100, सो दिस इज 100x प्लस 40x इज इक्वल टू 1120, राइट, विच इज आवर मार्क प्राइस। सॉल्व कर लेंगे 140x बाय 100 इज इक्वल टू 1120, तो x की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 1120 इंटू 100 बाय 140। सो दिस 0 एंड 0 गेट कैंसल, सो कैन वी डिवाइड 112 बाय 14? यस, 8 टाइम्स। सो x इज इक्वल टू 800 रुपीस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 800 रुपीस। कॉस्ट प्राइस देखिए 800 रुपीस और सेलिंग प्राइस इज गिवन 1064 रुपीस। कैन सो क्लियरली यहाँ पर हुआ है गेन, और गेन इज इक्वल टू क्या होता है, गेन होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज 1064 माइनस 800 रुपीस। सो 1064 माइनस 800 विल बी 264 रुपीस, राइट। कैन वी फाइंड द गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, और गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन बाई CP इंटू 100, राइट। तो गेन हो गया यहाँ पे 264, कॉस्ट प्राइस आपके पास है 800,
into 100. So now you can cancel out these zeros, and 264 can be divisible 8, say 33 times mein. So he has got gain 33% on this whole transaction. Okay, now let's move to the next question. Last question, question number 6 of this exercise. Mr. Kumar went shopping mall with his family. Mrs. Kumar bought a sari for rupees 12,500, clothes for kids for rupees 9,280, and shirts for Mr. Kumar for rupees 10,445. Ab is pure purchase pe GST charge on purchase is 12%. Then what is the total amount that Mr. Kumar has paid? तो यहाँ पर मिस्टर कुमार अपनी फैमिली के साथ मॉल गए थे शॉपिंग करने, और उन्होंने क्या क्या परचेस किया, 12,500 की साड़ी, 9,280 रुपीस का उन्होंने किड्स के लिए क्लोथ परचेस किया, और 10,445 का शर्ट परचेस किया है। फिर से देख लेते हैं, मिसेस कुमार ने साड़ी परचेस की 12,500 रुपीस की, किड्स के लिए कुछ क्लोथ परचेस किए 9,280 रुपीस के, और मिस्टर कुमार ने अपने लिए कुछ शर्ट्स परचेस किए विच द अमाउंट वॉज 40,445। तो टोटल प्राइस ऑफ क्लोथ्स क्या हो गया, तो इसमें हमको इसको ऐड कर देना है 12,500 प्लस 10,445 प्लस 9,280। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3,225, इट मीन्स 32,225। तो जीएसटी कितना हो जाएगा, जीएसटी 12% चार्ज हुआ है, इट मींस 12% ऑफ 3,225, दैट्स 32,225। सो 12/100 इंटू 3,225। सो अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, और ये हो जाएगा 4 से हो जाएगा 3 टाइम्स में, और ये हो गया 25 टाइम्स। सो 3,225 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे, इज इट डिविजिबल बाय 25, 32,225 डिवाइडेड बाय 25, द आंसर इज 1,289। सो 3 इंटू 1,289, वॉट विल बी द जीएसटी, तो जीएसटी का अमाउंट आ गया 3,867 रुपीस। तो परचेस प्राइस क्या था क्लोथ्स का, तो टोटल परचेस प्राइस ऑफ क्लोथ्स कैसे फाइंड होगा, तो आपको प्लस करना पड़ेगा, मतलब जो कॉस्ट का जो प्राइस है क्लोथ्स का 32,225 प्लस 3,867, मतलब प्राइस प्लस जीएसटी प्लस जीएसटी। सो हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, आंसर आ जाएगा 36,092 रुपीस। तो इतना प्राइस जो है मिस्टर कुमार को अपनी क्लोथ्स के परचेस के लिए पे करना पड़ेगा।